Hello, students. Good morning, good afternoon, good evening. This is your social science teacher, and today we are going to cover the next chapter constitutional design from the book Civics. Sorry, S. Here. Civics class 9th. Okay, so uh, in this chapter, we are going to study about the constitutional design, that means we are going to study about the constitution, okay, and we will study about इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ओके हाउ इट वॉज फॉर्म्ड एंड वट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड वी विल स्टडी दिस होल कंसेप्ट विद अलॉन्ग विद द सम एग्जाम्पल्स ओके सो फर्स्टली विल स्टार्ट फ्रॉम द एग्जाम्पल ऑफ साउथ अफ्रीका ओके साउथ अफ्रीका से हम एग्जाम्पल ले रहे हैं कि इससे हमें समझने में हेल्प मिलेगी कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन क्यों जरूरी है और कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है तो साउथ अफ्रीका आपको पता है यहाँ पर स्ट्रगल uh, चल रहा था अगेंस्ट अपार्ट एक वर्ड है इसको भी एक्सप्लेन करूँगा व्हाट इज़ अपार्ट बट इसको अपार भी बोला जाता है ओके okay. ये क्या था इसके खिलाफ़ वहाँ पर स्ट्रगल uh, चल रहा था तो सबसे पहले अफ्रीकन्स जो थे वो ब्लैक लोग थे लेकिन वहाँ पर जैसे आपको पता है कि इंडिया में ब्रिटिशर्स uh, आए थे और उन्होंने इंडिया को अपनी कॉलोनी बना लिया था यहाँ पर उन्होंने रूलिंग किया ऐसे ही अफ्रीका में भी जो ब्रिटेन के लोग जो गए हुए थे ये लोग वहाँ पर गए लेकिन इंडिया में तो इन्होंने केवल रूलिंग किया लेकिन वहाँ पर ही जाकर ये, जा ये सेटल हो गए वहीं पर और उन लोगों पर राज करने लगे उन लोगों पर रूलिंग ये लोग करने लगे जबकि जो अफ्रीकन्स uh, थे वो थ्री फोर्थ थे और ये लोग बाकी के लोग वन फोर्थ यानी कि सेवेंटी फाइव परसेंट जो पॉपुलेशन थी वो अफ्रीकन्स की थी लेकिन फिर भी ये जो ब्रिटेन के लोग थे ये ट्वेंटी फाइव परसेंट होने के बावजूद भी ये इन लोगों के ऊपर राज करते थे इन लोगों को डोमिनेट करते थे ओके तो अब साउथ अफ्रीका में क्या कंडीशन थी पहले हम ये समझ लेते हैं यहाँ पर साउथ अफ्रीका में आ, जो ये लोग राज कर रहे थे यहाँ पर एक लीडर हुआ हुए हैं नेल्सन मंडेला इनको 1964 में इस अपार्ट थाइड के विरोध के लिए इसका विरोध करने के लिए इसका अपोज करने के लिए इनको इम्प्रिजन जेल भेज दिया गया फोर ट्रेजन ट्रेजन का मतलब होता है देशद्रोह के लिए मतलब इन्होंने इसका विरोध किया तो इन पर इल्ज़ाम लगा दिया देशद्रोह ट्रेजन का लगा इनको जेल भेज दिया सिक्सटी में और उसके बाद ट्वेंटी एट तक ये जेल में ही रहे ओके okay. और क्योंकि इन्होंने विरोध किया था अपार का अब अपारथाइड क्या है पहले देख लेते हैं अपारथाइड इज अ रेसियल डिस्क्रिमिनेशन अपारथाइड इज अ रेसियल डिस्क्रिमिनेशन ओके ओके नाउ व्हाट इज रेसियल डिस्क्रिमिनेशन फर्स्टली व्हाट इज डिस्क्रिमिनेशन डिस्क्रिमिनेशन मीन्स भेदभाव एंड यू कैन सी देर आर अ लॉट्स ऑफ Discriminations. There are lots of kinds of discrimination in the whole world. Okay, some were being discriminated on the basis of their uh, caste. Some were being discriminated on the basis of their, uh, basis of their gender. Okay, like male, female. This is the called the sex disc discrimination. So discrimination means uh, some were the being discriminated on the basis of uh, wealth, money. ओके समर रिचर एंड पुअर सो दैट्स डिस्क्रिमिनेशन मीन्स दैट मीन्स भेदभाव जो किया जाता है दैट इज डिस्क्रिमिनेशन सो वट इज द डिस्क्रिम रेसियल डिस्क्रिमिनेशन रेसियल डिस्क्रिमिनेशन इज बेसिस ऑफ स्किन कलर ओके जब क्या होता है स्किन की कलर के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है भेदभाव किया जाता है तो उसे रेसियल डिस्क्रिमिनेशन कहा जाता है यानी कि काले गोरे का जो भेदभाव होता है तो अब सबसे पहले देख लेते हैं जो यहाँ पर ब्रिटेन के लोग आए थे वो थे वो क्या थे वाइट्स थे और जो अफ्रीका के लोग थे वो थे ब्लैक यहाँ पर एक और तरह के लोग रहते थे जो दूसरी कंट्रीज से यहाँ पर आए हुए थे उनको कलर्ड पीपल कहा जाता है इनमें इनमें मोस्टली ज़्यादातर इंडियंस भी हुआ करते थे अब आपको पता है कि इंडिया में जैसे हैं यहाँ पर ना तो कोई बहुत ज़्यादा गोरा एकदम बिल्कुल ब्लैक वाइट और ना कोई एकदम ब्लैक यहाँ पर क्या है मिक्स रेस है यानी कि मिक्स कलर्ड कोई हल्का डार्क कोई हल्का ब्राइट इस तरह से मिक्स अलग अलग कलर हैं कोई एकदम बिल्कुल वाइट एंड ब्लैक नहीं है तो इसको कलर्ड यानी कि यहाँ पर भी थे कुछ लोग थे जिनको प्लांटेशन वर्क के लिए यहाँ पर लेकर आया गया था तो इस तरह से ये लोग थे अब इनको जो ब्लैक और कलर्ड पीपल इनको एक साथ क्या प्रॉब्लम झेलनी पड़ती थी प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय नॉन वाइट्स इनको नॉन वाइट्स कहा जाता था ब्लैक एंड कलर्ड को नॉन वाइट्स और जो यहाँ पर राज कर रहे थे रूलिंग कर रहे डोमिनेट कर रहे थे वो थे वाइट्स तो नॉन वाइट्स को क्या क्या यानी कि ब्लैक और कलर को क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी फोरबिडन फ्रॉम लिविंग इन वाइट एरियाज इनको वाइट एरियाज में रहना अलाव नहीं था जहाँ वाइट रहते थे जिन कॉलोनीज़ में जिन एरियाज में वाइट्स रहते थे वहाँ ये रह नहीं सकते थे दे कैन नॉट वर्क इन वाइट एरियाज विदाउट परमिट बिना परमिट के वाइट एरियाज में ये वर्क नहीं कर सकते थे जैसे कि कोई प्लम्बर का वर्क है या किसी भी तरह का वर्क इन एरियाज में जाकर के बिना परमिट के वर्क नहीं कर सकते थे ऑल द पब्लिक प्लेसेज वर सेपरेट फॉर प्लेस ब्लैक्स हर जगह पे पब्लिक प्लेस जो थे वो ब्लैक लोगों के लिए अलग अलग थे बिल्कुल सेपरेट थे जैसे कि पार्क है जहाँ वाइट जाएंगे वहाँ ब्लैक नहीं जा सकते हैं लाइब्रेरी जाना है तो वहाँ जहाँ जहाँ क्या होंगे जहाँ वाइट्स जाएंगे वहाँ ब्लैक नहीं जा सकते हैं पब्लिक टॉयलेट वगैरह हैं इन जगहों पर सब अलग अलग था वाइट्स पॉलिसी ऑफ सेग्रीगेशन ये जो अलग करने की जो पॉलिसी थी इनको अपने से अलग रखना हर जगह अलग रखना चाहे किसी भी जगह किसी प्रॉपर्टी में हो हर जगह यानी कि जहाँ पर वाइट्स होते थे वहाँ ब्लैक नहीं रह सकते थे दैट इज़ द पॉलिसी ऑफ सेग्रीगेशन यानी कि सेग्रीगेट किया गया था इनको इनको सेग्रीगेट किया जाता था हर जगह से बसेज़ में इनको सैग्रिगेट किया जाता था पब्लिक टॉयलेट हो गया पब्लिक प्लेस हो गए हर जगह पर इनको क्या क्या सेग्रीगेट किया जाता था यानि कि सेग्रीगेशन की ये पॉलिसी इन पर चलाई जाती थी इवन वर नॉट अलाउड टू अपोज इनको इसका विरोध करना भी अलाउ नहीं था ये विरोध भी नहीं कर सकते थे जबकि ये मेजोरिटी में थे यानी मेजोरिटी में तो संख्या में ये ज़्यादा थे बट फिर भी नहीं कर सकते थे उसके बाद क्या हुआ कि ये सब कुछ ठीक था जहाँ तक ये चल रहा था तो ये लोग झेल रहे थे आ, क्या हो रहे थे डिस्क्रिमिनेटेड हो रहे थे लेकिन बाद में क्या हुआ कि इनको चर्चेज में भी अलाउ नहीं किया गया इनके लिए अलग चर्चेज़ बना दिया गया जो लोग इनको जो चीज़ इनको क्या हुआ जिसने और ज़्यादा अग्रेसिव मीन्स इनको थोड़ा सा वो कर दिया उसके बाद क्या हुआ ए जो थी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस इसकी फॉर्मेशन हो गई थी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस अब कांग्रेस का मतलब इंडिया वाली कांग्रेस नहीं है कांग्रेस का मतलब संगठन के लिए यूज होने वाला एक वर्ड होता है जो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में है कांग्रेस आपको मिलेगा ये देखने को तो यहाँ पर अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस बनाया गया इसने क्या क्या एक अम्ब्रेला पार्टी का इस, आ, आ, का जगह ले लिया यानी कि अम्ब्रेला पार्टी का रूप धारण ले लिया मीन्स कि जितनी छोटी छोटी पार्टीज थी उनको इसने अपने साथ मिला के एक बड़ी पार्टी बना लिया इसमें बन गई इसने एक अम्ब्रेला का काम किया सबको एक छत के नीचे लाने का काम किया और ये सब लोगों को एक करने का काम किया इसलिए इसको अम्ब्रेला पार्टी भी कहा जाता है रेज द वॉइस अब इस पार्टी के थ्रो वॉइस उठाई जाने लगी इनका विरोध किया जाने लगा और इस विरोध से डर गए जो ब्रिटिशर्स जो थे मतलब यहाँ पर जो लोग थे जो डोमिनेट इनको कर रहे थे ये डर गए एंड वाइट्स जो थे वाइट रेजमी चेंज इस पॉलिसी अब इनको डर लगने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि हमें यहाँ से मीन्स कुछ ऐसा हो जाए तो जब डर गए तो इन्होंने अपनी पॉलिसी को चेंज करने लगे वाइट्स जो थे अपनी पॉलिसी चेंज करने लगे डिस्क्रिमिनेटरी लॉज रिमूव जो डिस्क्रिमिनेटरी लॉज थे वो रिमूव किए जाने लगे जो डिस्क्रिमिनेट जहाँ जहाँ होता था वो जो डिस्क्रि भेदभाव वाले जितने भी कानून थे वो सब चे, चेंज होने लगे इससे पहले क्या था पॉलिटिकल पार्टीज़ पे बैन हुआ करता था पॉलिटिकल पार्टी ये लोग नहीं बना सकते थे अपोज नहीं कर सकते थे कुछ नहीं कर सकते थे वो बैन हटाया गया बैन ऑन पॉलिटिकल पार्टीज़ रिमूव किया गया नेल्सन मंडेला को फ्री यहाँ से किया गया बाद में वो यहीं के प्रेसिडेंट उनको बना दिया गया था ट्वेंटी अप्रैल 1994 को साउथ अफ्रीका गॉट फ्रीडम इस दिन इनको आज़ादी मिल गई यहाँ रखना वन मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है या ये वाला नेल्सन मंडेला को कब इम्प्रीजेंट किया गया किस चीज़ के लिए किया गया था ट्रेजन के लिए ओके कितने साल के लिए ट्वेंटी एट ईयर्स के लिए अब यहाँ पर क्या हुआ पूरा तख्ता पलट गया कि इनको फ्रीडम मिल गई अब सब कुछ इनके हाथों में था अब ब्लैक जो थे वो पावर में थे जो एफ्रीकन्स थे वो पावर में थे तो नॉर्मली अब यही होता कि ये लोग क्या करते वाइट्स को डोमिनेट करते उनके ऊपर अत्याचार करते उनके ऊपर जो था मतलब अपना बदला लेते सब कुछ इस तरह से कर सकते थे लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया इन्होंने ऐसा नहीं किया इन्होंने वाइट्स को माफ़ कर दिया और इन्होंने क्या किया इन्होंने कहा कि आज हम मेजॉरिटी में हैं और हम तुम्हारे ऊपर तुमको डोमिनेट करेंगे कल को फिर तुम मेजॉरिटी में आ जाओगे तुम हमको करोगे और इसी तरह से सिलसिला चलता जाएगा तो इससे एक पीसफुल गवर्नमेंट नहीं चल पाएगी इन्होंने उनको माफ़ कर दिया और देन दे बोथ टुगेदर दे बोथ कम्युनिटी दे बोथ कम्युनिटी दे ऑल टुगेदर फॉर्मड मल्टी रेशियल गवर्नमेंट इन्होंने एक दूसरे को डोमेट करने के बजाय मल्टी रेशियल गवर्नमेंट बनाई मल्टी रेशियल का मतलब कि जिसमें वाइट्स को भी जगह दी गई और ब्लैक्स को भी जगह दी गई वाइट्स की भी सारी डिमांड्स मानी गई ब्लैक्स की भी सारी डिमांड्स मानी गई यानी कि उन सब की मांगों को मान लिया गया सबको और तब जाके मिल के यानी कि ना ना अब ब्लैक को प्रॉब्लम थी ब्लैक जो जो चीज़ें चाहते थे कि ब्लैक को क्या क्या अधिकार मिलें क्या क्या चीज़ें मिलें सब कुछ रखा गया जो वाइट चाहते थे वो सब कुछ किया गया यानी कि वो सब कुछ आ, लिया गया गवर्नमेंट के अंदर रखा गया अब दोनों खुश थे सभी लोग खुश थे जितने भी वहाँ पर दो तरह के लोग थे दोनों की डिमांड पूरी हो गई दोनों की मल्टी रेशियल गवर्नमेंट बनी यानी कि ब्लैक एंड वाइट ने मिल के गवर्नमेंट बनाई और इस तरह से उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना के उसके बाद मीन्स वो अच्छे ढंग से उनकी जो वहाँ पर जो सिस्टम था वो चलने लगा अब इनको मिलाने का इन इसको पीसफुली वर्क कराने का काम किसने किया इसका काम किया कॉन्स्टिट्यूशन ने पहले क्या था कि आ, वर्वली होता था मीन्स कि कुछ भी बोल दिया कुछ भी कर दो लेकिन अब एक रिटर्न वर्क किया गया रूल्स बनाए गए रिटर्न वर्क किया गया रूल्स बनाए गए कैसे एग्जाम्पल लेते हैं जैसे देखते हैं अब पहले इस हेडिंग को ये है वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों पड़ती है क्यों पढ़नी चाहिए क्या है कॉन्स्टिट्यूशन तो सबसे पहले सपोज एट एग्ज़ाम्पल लेते हैं हम किसी भी गेम का क्रिकेट का गेम है तो क्रिकेट का जो गेम है उसमें रूल्स होते हैं सोचो कि क्रिकेट में कोई रूल ही नहीं है तो क्या होगा वो गेम अच्छा लगेगा नहीं लगेगा जो जिसका मन आ रहा है वो जितना मर्ज़ी उतना खेल रहा है जितने मर्जी उतने ओवर वो खेल रहा है कोई आउट ही नहीं हो रहा है क्योंकि रूल्स है ही नहीं कोई इधर भाग रहा है कोई उधर भाग रहा है यानी कि कोई रूल नहीं है उसमें बस खेलो तो वो गेम गेम नहीं रहेगा ऐसे ही अगर किसी कंट्री को चलाना है तो रूल्स का होना बहुत जरूरी है अगर रूल्स नहीं है तो भेड़ चाल हो जाती है जो मर्जी करो जैसा मर्जी वैसा करो तो एक गेम गेम क्यों है क्योंकि उसमें रूल्स होते हैं रूल्स को फॉलो करके ही गेम बनता है और गेम अच्छा लगता है अगर गेम में कोई रूल ना हो वो गेम गेम नहीं कहलाएगा तब वो क्या है वो कुछ नहीं है फिर तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ सेट ऑफ रिटर्न रूल्स कॉन्स्टिट्यूशन एक सेट है जिसमें रूल्स को रिटर्न में लिखा जाता है दैट आर एक्सेप्टेड बाई ऑल द पीपल इन द कंट्री और उन रूल्स को पूरी कंट्री के द्वारा एक्सेप्ट किया है यहाँ पर जैसे हमने देखा ब्लैक की जितनी चीज़ें थी वो मानी गई व्हाइट की जितनी चीज़ थी वो मानी गई तो इन दोनों ने उस चीज़ को माना कि हाँ भाई हमारा भी ध्यान रखा गया हमारे भी सारे जो रूल्स मतलब हमारे लिए भी रूल्स बनाए गए हमारे भी सारी डिमांड रखी गई हैं इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वाइट्स की भी रखी गई ब्लैक्स की भी रखी गई तो अब दोनों को कोई प्रॉब्लम नहीं थी और दोनों ने उस कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट की कि हाँ हम भी करेंगे और आप भी करेंगे इसका तो इस तरह से ये चला ठीक है तो हमें कॉन्श्यून की जरूरत क्यों होती है इट जनरेट्स अ डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड कॉर्डिनेशन अमंग पीपल ये लोगों में विश्वास पैदा करता है विश्वास मीन्स अभी जैसे हम इंडिया की बात करें यहाँ पर तो केवल दो लोग थे लेकिन इंडिया में क्या है इंडिया में डाइवर्सिटी ज़्यादा है इंडिया में जो डाइवर्सिटी जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तब भी ज़्यादा थी तो इंडिया में डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर केवल दो ग्रुप्स नहीं है यहाँ पर न जाने कितने धर्मों के न जाने कितने जो है बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी यहाँ पर है तो इंडिया में लोग कॉन्स्टिट्यूशन को क्यों फॉलो करते हैं क्योंकि इंडिया में जितने भी ग्रुप ऑफ पीपल हैं जितनी भी कम्युनिटी हैं उन सब के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ना कुछ रूल्स हैं मतलब उन सब के बारे में है कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं है कोई भी कम्युनिटी कि उन्होंने कहा कि हाजी हमारे बारे में तो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ लिखा ही नहीं है हमारे तो हमको तो कोई राइट ही नहीं मिले हुए हर कम्युनिटी को हर चीज़ को कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया है तो लोगों को विश्वास है कि हाँ कॉन्स्टिट्यूशन हमारे साथ गलत नहीं करने देगा क्योंकि उसमें ये चीज़ें इससे लोगों में क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन में एक डिग्री ऑफ ट्रस्ट आपस में विश्वास पैदा होता है कि हाँ हम एक साथ रह सकते हैं अगर इसने कुछ किया तो उसके लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है प्रावधान है ये मेरे साथ गलत नहीं कर सकता है अब ट्रस्ट क्यों है सबसे मेन है कि हमारी सबसे पावरफुल जैसे हम देखें तो कंट्री में पुलिस प्रशासन है जो हम पर राज कर रहा है या मीन्स हमारी गवर्नमेंट है सबसे गवर्नमेंट जिनको चला रही है तो गवर्नमेंट चाहे तो यहाँ पर क्या हो सकती है एक हम पर राज कर सकती है हमको कुछ भी कर सकती है लेकिन हमको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन है सबसे ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है तो गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर सकती गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलना होगा तो एक विश्वास डिग्री ऑफ ट्रस्ट पैदा होता है एक दूसरे के प्रति गवर्नमेंट के प्रति और लोगों में कोऑर्डिनेशन की भावना आती है आज आप देखो लोग क्या करते हैं एक दूसरे अच्छे से रहते हैं क्योंकि उनको पता है कि अगर इसने मेरे साथ कुछ गलत किया तो उसके लिए क्या है कॉन्स्टिट्यूशन में कानून बने हुए हैं इसको सजा मिलेगी तो एक डिग्री ऑफ ट्रस्ट ये पैदा होता है इट स्पेसिफाइज हाउ द गवर्नमेंट विल कॉन्स्टिट्यूटेड इसमें लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट को कैसे बनाया जाए क्या चीज़ की जाए किस तरह से की जाए सब कुछ उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है मीन्स कैसे किया जाए मीन्स कैसे किया जाने का मतलब है कि गवर्नमेंट कैसे बनाया जाए अब अगर हो सकता है यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन ना होता तो कोई बोलता कि भाई जो सबसे पावरफुल है वही उसी की सरकार बनेगी तो यहाँ पर सबसे पावरफुल का मतलब किस चीज़ में पावरफुल पैसे में तो पैसे में तो ना जाने कितने लोग हैं तो उनकी गवर्नमेंट बनती और कोई ताकत में यानी कि तो फिर उनकी गवर्नमेंट बनती है, लेकिन नहीं उनकी गवर्नमेंट नहीं बनेगी इसमें लिखा हुआ है गवर्नमेंट किसकी बनेगी और कैसे बनेगी तो उसी तरह से गवर्नमेंट बनती है हु विल हैव पावर टू टेक विच डिसीजन किसके पास कितनी पावर होगी किस डिसीजन को लेने के लिए अगर ये सब कुछ उसमें लिखा हुआ है कि लेजिस्लेचर के पास कितनी पावर है एग्जीक्यूटिव के पास कितनी पावर है जुडिशियरी के पास कितनी पावर है पुलिस प्रशासन जो किस में आता है उसके पास कितनी पावर है आर्मी के पास कितनी पावर है किसी विधायक जो एक होता है एमएलए एल उसके पास कितनी पावर है एक जो एमपी है उसकी कितनी पावर है एक चीफ मिनिस्टर की कितनी पावर है गवर्नर की कितनी पावर है सब कुछ लिखा हुआ है नहीं तो क्या होता एक ही व्यक्ति हमारे देश के प्रधानमंत्री ही सब काम कर रहे होते एग्जीक्यूटिव में भी वही होते जुडिशरी में भी वही होते लेजिस्लेटिव में भी वही होते लेकिन नहीं उनकी पावर भी लिखी हुई है कि उनकी पावर कहाँ तक और कितनी है ओके okay, तीसरा क्या इट लेज़ डाउन लिमिट्स ऑन पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट गवर्नमेंट की पावर को लिमिट करता है ये है ना कैसे लिमिट करता है क्योंकि अब मैंने आपको जैसे बताया कि नहीं तो प्रधानमंत्री जी सब कुछ कर रहे होते हर जगह वही देख रहे होते नहीं लेकिन उनकी पावर उनका एरिया रखा हुआ है कि वो कितना कहाँ तक कितना कुछ कर सकते हैं एंड टेल्स एस राइट ऑफ सिटीजन राइट्स ऑफ सिटीजन्स कि सिटीजन्स के क्या राइट right हैं हमको कौन कौन से राइट right मिले हुए ये भी बताता है इट एक्सप्रेसेज द एस्परेशन ऑफ द पीपल अबाउट क्रिएटिंग अ गुड सोसाइटी अब जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमको बताता है कि हमारी सोसाइटी कैसी है अब जैसे हम देखेंगे कि जो बाहर जो विदेश सी जो जो फॉरेनर जो फॉरेन कंट्री जो हैं वो थोड़ा क्या है वो थोड़ा फ्री आइडियोलॉजी वाले हैं यानी कि उनकी आइडियोलॉजी थोड़ा मॉडर्न आइडियोलॉजी वाले हैं तो उनका कॉन्स्टिट्यूशन उतना मॉडर्न होगा जैसे कि हमारी कंट्री अगर हम बात करें तो हो सकता है कि यहाँ पर कुछ ऐसे रूल्स हैं कि जो हमारे यहाँ Uh, जो अलाउ नहीं है लेकिन किसी और फॉरेन कंट्री में हो सकता है वो अलाउ हो यानी कि ये क्या है वाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन कुछ ये चीज़ें हैं जिनके कारण हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ती है ओके अब स्टार्ट होता है मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे बनाया गया कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड ड्रॉन अप डिफिकल्ट सरकाम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो बहुत ही डिफिकल्ट सरकॉम्स्टेंसेज में बनाया गया क्यों बनाया गया डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसिस में क्योंकि यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स थी सबसे पहले डाइवर्स ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी थी यानी कि आप देखेंगे तो यहाँ पर रिलीजियस बेस पे बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी थी और अलग अलग तरह से इतनी डाइवर्सिटी है कि पूरे वर्ल्ड में इतनी डाइवर्सिटी किसी भी कंट्री में नहीं है तो अब ये बहुत डिफिकल्ट था जैसे साउथ अफ्रीका में था वहाँ पर दो तरह की डाइवर्सिटी थी केवल ब्लैक्स एंड वाइट्स तो उनको अलग अलग उनके लिए अच्छे से उनको एक साथ रूल्स बना बन सकते थे लेकिन यहाँ पर इतनी डाइवर्सिटी थी कि उन हर एक ग्रुप का ध्यान रखना था हर एक ग्रुप की डिमांड यहाँ पर रखनी थी तो इसलिए इस डाइवर्सिटी को एकोमोडेट करना जरूरी था जिसको यहाँ पर एकोमोडेट किया भी गया बाद में तो इसलिए बहुत डिफिकल्ट कह सकते हैं इसको पार्टीशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस डिफ्रेंसेस अब यहाँ पर पार्टीशन भी हो गया था रिलीजियस 1947 में ही इंडिया फ्रीडम हुआ और पार्टीशन भी हुआ इंडिया पाकिस्तान तो वो भी किस बेस पे रेलिजियस रेलिजियस बेस पे मीन्स जो धर्म के आधार पे तो अब जो पाकिस्तान है वो एक रेलिजियस कंट्री है वो क्या है उन्होंने पाकिस्तान मतलब मुस्लिम कंट्री उन्होंने अपने आप को कर दिया अब जो उस समय जो थे नेहरू जी थे जो नेहरू जी और जो थे जिन्ना इन दो लोगों को इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्रिटिशर्स के द्वारा सौंपी गई थी कि हम यहाँ से जाएंगे तो आपने क्या करना है कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है यानी कि आपने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है ये सब कुछ करना है तो जिन्ना जो थे उन्होंने क्या कर दिया उन्होंने अपने लिए एक अलग कंट्री का ही डिमांड कर दिया उन्होंने कहा कि नहीं जी हमारे हम मुझे तो एक अलग कंट्री दे दो जहाँ पर हमारे मुस्लिम भाई रहेंगे उन्होंने ऐसा किया और तब जाके वो पाकिस्तान बना था और यहाँ पर क्या हुआ फिर यहाँ पर इंडिया बन गया दूसरा क्या था प्रॉब्लम इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स अब जो ब्रिटिशर्स थे यहाँ पर दो तरह की प्रॉब्लम हो गई थी जिन्ना ने बोल दिया था कि हमें क्या चाहिए अलग कंट्री चाहिए और अब एक तो इंडिया बन रहा था एक पाकिस्तान बन रहा था और अभी कुछ ऐसे स्टेट थे कि जहाँ पर क्या थे राजा महाराजा प्रिंसली स्टेट थे जहाँ पर अभी भी राजा महाराजाओं वाला सिस्टम चल रहा था वहाँ पर राजा वो वो आ, वो क्या थे वहाँ पर गवर्नमेंट किसकी मतलब वहाँ पर राजा महाराजा थे तो अब ब्रिटिशर्स ने क्या कर दिया कि एक तो बनेगा इंडिया यानी कि इंडियन यूनियन जितने भी स्टेट हैं वो जो इंडियन यूनियन के साथ शामिल होना चाहते हैं वो हो सकते हैं प्लस जो स्टेट पाकिस्तान के साथ शामिल होना चाहते हैं वो पाकिस्तान के साथ जा, जा सकते हैं और साथ में जो स्टेट फ्रीडम फ्री रहना चाहते हैं वो फ्री भी रह सकते हैं अब कौन कौन से प्रिंसली स्टेट थे जैसे जम्मू एंड कश्मीर था राजस्थान था हैदराबाद था तो अब इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि इस तरह से इंडिया यहाँ पर पाकिस्तान और कुछ स्टेट ऐसे थे जो बीच में पड़ रहे थे तो बीच में पड़ने के कारण वहाँ पर अगर वो एक अलग कंट्री बन जाते तो इधर चारों तरफ इंडिया और बीच में एक अलग कंट्री बिल्कुल अलग सा लगता तो ऐसा वो हमारे इंडियन लीडर्स नहीं चाहते थे इसलिए उन्होंने क्या किया इन प्रिंसली स्टेट्स को भी अपने साथ यूनियन में शामिल करने की पूरी मतलब हर तरह की कोशिश करी और उसके बाद आपको पता है कि जे एंड के जम्मू एंड कश्मीर जहां पर 370 आर्टिकल 370 के तहत 35 ए के तहत जो था उसके तहत इसको क्या किया गया था अपने साथ साथोमोडेट अपने साथ मिलाया गया था राजस्थान भी था हैदराबाद था तो इसलिए जम्मू एंड कश्मीर जो था वो थोड़ा अलग स्पेशल स्टेटस उसका था उसका क्यों उसी समय की बात है जब इनको जम्मू एंड कश्मीर को जब यहाँ मतलब मिलाया गया तो उसकी डिमांडें ये थी इसके तहत तो फिर आज तो हालांकि सब कुछ हो चुका है तो ये सारी प्रॉब्लम थी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में कि अब कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाएं ओके okay. अब है द पाथ टू कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन का जो रास्ता था वो कैसे बना एडवांटेज ओवर साउथ अफ्रीका क्योंकि साउथ अफ्रीका का एग्जाम्पल हम देख चुके थे साउथ अफ्रीका ने से पहले साउथ अफ्रीका ने किसी का एग्जाम्पल नहीं देखा लेकिन हमारे सामने साउथ अफ्रीका का एक एग्जाम्पल था डेवलप्ड कॉन्सेंसेस ठीक है ना यानी कि हमारे सामने एक एग्जाम्पल था कि साउथ अफ्रीका ने किस तरह से एकोमोडेट की डाइवर्सिटी वहाँ से हमने एग्जाम्पल लिया ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल हमारा फ्रीडम स्ट्रगल जब चल रहा था उसी समय से हम लोगों ने अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में मतलब कि हम हम लोगों ने एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा सा निर्धारण करना हमारे लीडर्स ने स्टार्ट कर दिया था यानी कि हम लोग एक हो चुके थे जब स्टार्टिंग की अगर बात की जाए तो उस समय इंडिया बहुत डाइवर्स था लेकिन फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान सब लोग एक हो चुके थे यानी कि सबका एक ही नारा था कि हमें अंग्रेज़ों से आज़ादी चाहिए यानी कि सब एक पहले ही हो चुके थे इसलिए थोड़ा सा हमको कॉन्स्टिट्यूशन में मतलब एक हम सभी को एक यूनिट के रूप में देखा जाने लगा तो थोड़ा दिक्कत नहीं हुई इन 1928 मोतीलाल नेहरू ड्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन मोतीलाल नेहरू जी जो थे उन्होंने 1928 में एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया इनके साथ सेवन मेंबर्स और थे और कराची सेशन में इन्होंने वो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के कच्चा चिट्ठा इन्होंने वहाँ पर बनाया था एक छोटा सा एक मीन्स कुछ प्रारूप रखा था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा बन सकता है ऐसा बनेगा फेमिलरिटी विद पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन क्योंकि एक जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने क्या किया था कि सेंटर में तो वो खुद रहते थे लेकिन कुछ प्रोविंशियल जो थे यानी कि स्टेट लेवल पे उन्होंने हमारे जो इंडियंस जो थे मतलब प्रोविंशियल लीडर प्रोविंशियल स्टेट पे लेवल पे उन्होंने गवर्नमेंट बनाने की एक आज़ादी दे दी थी प्रोविंशियल लेवल पे इलेक्शन हुआ करते थे और वहाँ पर कौन आते थे, थे चुन के हमारे इंडियन लीडर्स ही आते थे, थे तो इस कारण से हमें क्या हो गया जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन मतलब कि लेजिस्लेचर किस तरह से वर्क करता, वर करता है एग्जीक्यूटिव कैसे वर्क करता है जुडिशरी कैसे वर्क करता है हमारे इंडियन जो लोग थे उनको इसका नॉलेज हो गया था अब उनको लग गया था कि कभी अगर ब्रिटिशर्स यहाँ से जाते भी हैं अगर जाएंगे जब भी जाएंगे तो हम पूरे देश का कानून पूरे देश का जो भी सिस्टम उसको संभाल लेंगे तो ये फेमिलिटी हो गई थी एंड इंस्पिरेशन फ्रॉम हमको इंस्पिरेशन भी मिली थी फ्रेंच रेवोल्यूशन से सीख चुके थे रशियन रेवोल्यूशन सीख चुके थे बिल ऑफ राइट राइट्स इन द यूएस जो यूएस का जो बिल था उससे भी हमको बहुत कुछ सीखने को मिला उसके बाद जब फाइनली बात आई कि अब ब्रिटिशर्स को जाना था यहाँ से और बात आई कि अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनेगा तो इस समय एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाई गई कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले कौन थे मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कौन थे एंड हाउ डिड दे फॉर्म हाउ डिड दे मेक कैसे इन्होंने बनाया तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले थे मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाई गई संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को बनाया गया संविधान सभा को बनाया गया कैसे बनाया गया देवर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ये इलेक्टेड थे अब उस समय तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी थी नहीं यानी कि किसी भी वोटिंग का राइट नहीं हुआ करता था उस समय तो फिर इलेक्शन कैसे हो गए इलेक्शन हुए थे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव में इलेक्शन हुआ करते थे तो इन लोगों ने ही रिप्रेजेंटेटिव भेजे थे और ये बहुत अच्छा था क्योंकि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली थे इसमें जितनी डाइवर्सिटी इंडिया में थी हर डाइवर्सिटी से मतलब कोई ना कोई मेंबर यहाँ पर गया हुआ था यानी कि जितने भी प्रोविंशियल स्टेट्स थे उनसे मेंबर्स थे यानी कि जितने भी अब जैसे हम बात करें कि जितनी डाइवर्सिटी यहाँ पर थी हर धर्म का एक मेंबर यहाँ पर था ठीक है ना और इस कारण से क्या हुआ कि जो कांग्रेस वाले भी थे वो भी मेंबर थे जो नॉन कांग्रेस थे वो भी मेंबर थे और महिला वर्ग से भी एक मेंबर रखा गया महिलाओं की डिमांड रखने के लिए यानी कि जितनी डाइवर्सिटी थी हर तरह के ग्रुप से कोई ना कोई एक रिप्रेजेंटेटिव इस कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में था स्टार्टिंग में ये कितने थे थ्री एट्टी नाइन मेम्बर्स इसमें थे थ्री एट्टी नाइन इसमें थे इसका जो इलेक्शन हुआ वो हुआ जुलाई नाइनटीन फोर्टी सिक्स में और इस सॉरी नाइनटीन फोर्टी सिक्स में इसकी फर्स्ट मीटिंग हुई थी अब फोर्टी सिक्स में कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बन चुकी थी फर्स्ट मीटिंग भी हो चुकी थी लेकिन फिर जिन्ना जो थे उन्होंने मांग करी कि मुझे अलग कंट्री दे चाहिए और हमें पाकिस्तान अलग चाहिए तो उस समय पार्टीशन हो गया डिवीजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली और जिस कारण से कॉन्स्टि असेंबली तो भारत पाकिस्तान की एक ही बनी हुई थी जब 389 मेंबर्स थे लेकिन जब उसके 46 में लेकिन उसके बाद जब पार्टीशन हुआ तो अब कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का भी डिवीज़न हो गया ये भी डिवाइड हो गई डिवाइड कैसे हो गई कि जो लोग पाकिस्तान से आए हुए थे जो पाकिस्तानी एरिया से आए हुए रिप्रजेंटेटिव थे वो वो उन्होंने वो पाकिस्तानी कॉन्स्टिट असेंबली मतलब उनकी अलग हो गई और जो इंडिया के आए थे उनकी अलग हो गई तो अब इंडिया में कितने लोग बच गए इंडिया में थे ये कब हुआ यह हुआ दिसंबर 1946 में हुआ ये जो डिवीजन हुआ कॉन्स्ट्यूट असेंबली का दिसंबर 1946 में हुआ तो अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूट जो थी उसमें 299 मेंबर्स थे जिन्होंने क्या किया रोट इंडियन इन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा इसमें से आपको पता है कि इसके जो प्रेसिडेंट थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बाद में जाकर जो यहाँ के प्रेसिडेंट भी बने फर्स्ट और आ, आ, उसके बाद इस कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई ठीक है ना ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई ड्राफ्टिंग कमेटी का मतलब होता है टू नाइनटी नाइन मेंबर्स है तो इन सब ने आ, ऐसा नहीं कि इन सब ने बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन लिखा नहीं ऐसा नहीं था इसकी जिम्मेदारी कुछ लोगों को दी गई ये मेंबर्स थे मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहे थे मतलब डिबेट कर, किया इन्होंने बाद में जब बन गया उसके बाद इन्होंने डिबेट किया इन्होंने अपनी मांगे रखी कि ऐसा ऐसा होना चाहिए इसलिए इनको मेंबर बनाया गया ये लिखने वाले नहीं थे सब ये, ये केवल मेंबर इसलिए थे क्योंकि इन्होंने इंडिया के हर डाइवर्स ग्रुप को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया अपनी मांगे रखी कि जैसे महिलाओं में से जो आए थे उन्होंने महिलाओं की डिमांड रखी कि ये होना चाहिए वो होना चाहिए जिस तरह से तो अलग अलग ये चीज़ें थी अब यहाँ पर एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई जिनका काम था कि कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशन का कच्चा चिट्ठा बनाना यानी कि इनका काम था कि पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का कच्चा चिट्ठा बनाना तो उसके जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसको उसके जो चेयर पर्सन थे वो थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बाबा साहब अम्बेडकर और वो पूरे वर्ल्ड घूमे हुए व्यक्ति थे और एक बहुत अच्छी सोच और समझ उनको थी एक पेशे से लॉयर भी थे कानून की अच्छी जानकारी थी तो उनको ही जिम्मेदारी सौंपी गई कि आपने क्या करना है ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन पर्सन भी थे कि आपने इसका कच्चा चिट्ठा बनाना है यानी कि ड्राफ्ट जो बनाया गया था कॉन्स्टिट्यूशन का वो बनाया गया था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के द्वारा इसको बनाया गया था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने क्या किया कि और जगह से जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ वहाँ से सीख के इसमें बनाया कुछ अलग अलग कंट्रीज़ के एग्जाम्पल लेकर के हर तरह से इसको फिर यहाँ पर इसका ड्राफ्ट किया गया था उसके बाद ऐसा नहीं है कि बनने के बाद बिल्कुल ऐसे ही ये इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया नहीं उसके बाद इस चीज़ पर बहुत डिबेट बहुत डिस्कशन चला बहुत डिबेट चला बहुत डिस्कशन चला कुछ चीज़ें और ऐड की गई कुछ हटाई गई बहुत लंबा डिस्कशन चला हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में लगा था जो टाइम था टू ईयर्स इलेवन मंथ्स एंड एटीन डेज लगभग लगभग तीन साल लगे थे बनने में ठीक है ना तो ये टाइम इतना इसको लगा था बनने में और फाइनली ये बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को इसको एडॉप्ट कर लिया गया 26 नवंबर 1949 तक ये बन के तैयार हो चुका था लेकिन इसका एडॉप्शन वर्सेस इंप्लीमेंटेशन एडॉप्ट तो कर लिया गया था एक नंबर का क्वेश्चन आता है कि इसको एडॉप्ट कब किया गया था ट्वेंटी नवंबर नाइनटीन जस्ट बिफोर हमारा जो रिपब्लिक डे जब कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट किया गया उससे दो महीने पहले ये अडॉप्ट किया गया था ये इस तरह से आप याद रख सकते हैं 26 नवंबर नाइनटीन '२९' नाइन को और इसको फिर ट्वेंटी सिक्स जैन नाइनटीन फिफ्टी को इंप्लीमेंट किया गया ट्वेंटी सिक्स जैन को क्यों किया गया इसको करने का कारण था कि जब नाइन नाइनटीन में यानी कि 29 के दौरान जो नेहरू जी थे इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने कहा था कि नाइन ट्वेंटी सिक्स जैन नाइनटीन थर्टी को हमको फ्रीडम मिल जाएगी और इस दिन हम अपना इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे पूरे देश में यही चल रहा था कि हमने ट्वेंटी सिक्स जनवरी नाइनटीन थर्टी को इंडिपेंडेंस डे मनाना है मनाना ये चीज़ इस डेट बिल्कुल लोगों के जुबान पे आ चुकी थी कि हमारा जो है छब्बीस जनवरी ट्वेंटी जनवरी नाइनटीन थर्टी जनवरी को हम क्या बनाएंगे अपना इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे इसलिए इसको यहाँ दो महीने पहले तैयार होने के बावजूद इसको दो महीने बाद इम्प्लीमेंट किया गया ताकि ट्वेंटी सिक्स जैन की इस डेट की भी इंपॉर्टेंस रहे और इस डेट को रिपब्लिक डे बोला गया ओके फाइनली ये चीज़ें हो गई उसके बाद क्या है एक्सेप्टेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बन गया क्यों ऐसा है कि आज इतना पुराना कॉन्स्टिट्यूशन भी आज हम उसको बिल्कुल वैसा का वैसे ही हम उसको फॉलो कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं फॉलो एक्सेप्ट क्यों कर रहे हैं और क्यों उस समय किया गया उस समय इसलिए किया गया क्योंकि सभी लोगों यानी कि इसको एक्सेप्ट किए जाने का कारण था कि उसमें हर किसी जो वही है कि डिग्री ऑफ ट्रस्ट यानी कि हर किसी को विश्वास कि हमारे मतलब हर किसी के लिए उसमें क्या है पूरी व्यवस्था है हर किसी के का उसमें ध्यान रखा गया है हर डाइवर्सिटी को एकोमोडेट किया गया है इट्स लेजिटिमेसी इसकी जो लेजिटिमेसी है क्योंकि आज भी इसको इसलिए माना जा रहा है क्योंकि उस समय इसमें आज की कंडीशन को ध्यान रखे हुए इसको बनाया गया प्लस इसमें क्या है अमेडमेंट की व्यवस्था की गई है यानी कि इसमें बदलाव भी किया ऐसा नहीं कि जो चीज़ें उस समय थी तो आज भी वो वैसे ही लागू होती हैं नहीं उसमें अमेंडमेंट किया जाता है बदलाव किया जाता है लेकिन बदलाव कोई एक व्यक्ति नहीं कर सकता है उसके बदलाव की एक प्रोसेस है अगर अमेंडमेंट करना है उसमें भी वही है डिबेट डिस्कशन और प्लस जो दोनों हाउसेज़ हैं वहाँ से करके तब जाके मतलब कोई एक व्यक्ति उसमें बदलाव नहीं कर सकता है कॉन्स्टिट्यूट असेंबली रिप्रेजेंट अब इसको मानने का कारण था कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली थी वो पूरे होल वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करती थी हमारी जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनाई गई थी वो ऐसी शायद कॉन्स्टिट्यूट असेंबली कहीं बनी भी ना हो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऐसी बनाई गई थी कि जिसने जिसमें इंडिया के हर वर्ग का व्यक्ति जिसमें शामिल था रिप्रेजेंट कर रहा था और क्यों माना जाता है प्रोसेस विच इट वॉज मेड जिस तरह से इसको बनाया गया इसमें ड्राफ्टिंग सबसे पहले इसका कच्चा चिट्ठा बनाया गया ड्राफ्टिंग हुई उसके बाद तब इस पर डिबेट और डिस्कशन हुआ बहुत ज़्यादा डिबेट और डिस्कशन होने के बाद न जाने कितने बदलाव हुए कितनी चीज़ें ऐड हुई और इसमें अमेंडमेंट पॉलिसीज जो थी कितने अमेंडमेंट किया गए मोर देन टू थाउजेंड दो हज़ार से ज़्यादा अमेडमेंट इसमें किए गए थे तब जाके इस कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया और आज तक ये सक्सेसफुली वर्क कर रहा है चल रहा है तो ये था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का ओके अब इसके आगे का जो पार्ट होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में ओके थैंक यू